The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, <coughs> today's talk, as usual, Hogi. Uh basic to advanced level, and all the things you will be explained to यूरिन एनालिसिस के बारे में राइट right. सो so, कैसे टेस्ट होता है क्यों टेस्ट होता है कहाँ से होता है ये सारी बातों को आपको बताया जाएगा और प्रिपेयर कैसे होता है कौन कौन सी चीज़ें यूरिन के कलर को इशू कर सकती हैं कौन कौन सी चीज़ें अपीरेंस को इशू कर सकती हैं इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे सो so, यूरिन एनालिसिस क्या होता है यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन का फिज़िकल केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तीनों चीजें हो रही हैं यहाँ पर फिजिकल केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसमें यूरिन के यूरिन के थ्रू आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपके किडनी में आपके बॉडी में डायबिटीज जैसी किडनी डिजीज जैसी कई सारी बीमारी पता चलती है उनके यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन क्या है पीरियंस तो हमने बता ही दिया तो ये सारी चीजें पता चलती है बीमारी पकड़ी जाती हैं इन सब चीज़ों से राइट right. <coughs> टेस्ट कैसे होता है एक यूरिन सैंपल चाहिए होता है आपके डॉक्टर आपको कहेंगे कि भैया अपना यूरिन सैंपल लेकर आओ ज़्यादातर इसमें दो तरीके के होता है एक होता है 24 फोर आवर यूरिन कलेक्शन 24 घंटे का यूरिन लेकर आना है जी हाँ होता है ऐसा ज़्यादातर नहीं होता लेकिन ऐसा होता है दूसरा होता है क्लीन कैच यूरिन स्पेसीमिन क्लीन कैच का क्या मतलब यूरिन फर्स्ट यूरिन ज़्यादातर पहला यूरिन लेना है पूरे दिन का 24 घंटे का पहला यूरिन और क्लीन कैच का मतलब होता है कि आपका यूरिन निकलने के बाद पहला नहीं पहली धार थोड़ी सी निकले फिर बीच की धार का थोड़ा सा हिस्सा आपने लेना है सो so, यूरिन क्लीन कैच उसे कहते हैं क्योंकि पहले पहले आपके पेशाब की नली में कुछ फंसा हो सकता है कुछ गंदगी लगी हो सकती है तो जो पहले पहले यूरिन जाता है वो उसको निकाल देता है और फिर बीच का आपने पार्ट लेना है क्लीन कैच और क्लीन कैच यूरिन आपने एक स्टराइल कंटेनर में लेना है स्टराइल कंटेनर माने जो कि सील्ड हो पन्नी में मस्त बंद हो उसको उसी समय खोलिए जब यूरिन आ रहा उसी समय बंद कर दीजिए बस ज़्यादा उसको छेड़खानी नहीं करनी वरना वो कंटेमिनेट हो जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ज़रूरी है आपकी मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए आपकी ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए राइट कभी कभी प्रेगनेंसी के टेस्ट करने के लिए कई बार ड्रग की स्क्रीनिंग भी ड्रग्स की स्क्रीनिंग उससे हो जाती है So, कई सारी चीजें आप कर सकते हैं प्लेन सिंपल यूरिन एनालिसिस से राइट right? so, तो ये बात आप याद रखेंगे उसके बाद आता है कि फिजिकल अपीयरेंस में क्या देखा जाता है लैब में जाती है लैब में क्या देखा जाता है कि यूरिन भाई क्लियर है या क्लाउडी है कलर बाद में क्लियर है आ, आर पार दिख रहा है या नहीं दिख रहा नंबर एक वो पेल है येलो है डार्क येलो है या कोई और कलर का फिर कलर देखा जाता है फिर देखा जाता है अपीयरेंस माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है उसमें कौन कौन से सेल है यूरिन में क्रिस्टल तो नहीं है कोई कास्ट तो नहीं है कोई म्यूकस तो नहीं है कोई अलग शुगर तो नहीं है कोई प्रोटीन कोई सब्सटेंसेस क्या है कोई बैक्टीरिया तो नहीं है कोई जर्म तो नहीं है ये देखा जाता है केमिकली क्या देखा जाता है डिपस्टिक टेस्ट करके देखा जाता है यूरिन सैंपल में कि अगर वहां पर कोई मान लीजिए शुगर सैम शुगर है तो डिपस्टिक में कलर चेंज होगा राइट right. कई एग्जाम्पल जैसे यूरिन एनालिसिस में आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या चेक हो सकती हैं उसके बारे में भी बताएंगे लेकिन जो बेसिक आपको समझना है प्रिपेयर आपने कर लिया ये भी हो गया कि एक्सपेक्ट आपका यूरिनेशन कलेक्ट हो गया विजुअल एग्जामिनेशन हो गया यूरिन का क्लियर है नहीं है क्लाउडी है अनयूजअली कलर कोई स्मेल उल्टी सीधी तो नहीं आ रही अनयूजल ओडर है तो भी इन्फेक्शन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो स्मेल गंदी आ रही है ब्लड हो सकता है लाल रंग का आ सकता है रेड कलर या ब्राउन कलर यूरिन के अंदर और यूरिन के अंदर अलग प्रकार के कोई कभी कभार कलर आ सकता है आपके खाने पीने से रिलेटेड आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई जिसका कलर यूरिन में सीक्रेट हो रहा है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल राइट जैसे कि बीट्स बीट रूट खाएँगे तो लाल रंग का कलर रेड टिंकट आपके यूरिन में आ सकता है फिर जैसे मैंने कहा डिपस्टिक टेस्ट होता है आपका पहला डिपस्टिक टेस्ट होता है पीएच के लिए पीएच मतलब एसिडिटी लेवल यूरिन में कितना एसिड है वो देखा जाता है एबनॉर्मल पीएच मतलब यूरिन किडनी में अंदर कोई ना कोई किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बीमारी है कॉन्सनट्रेशन के लिए टेस्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है यूरिन की कि कितने पार्किट पार्टिकल्स हैं यूरिन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और जितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल के होंगे मतलब उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है मतलब आप ठीक से पानी नहीं पीते हो आप ढंग से पानी नहीं पीते हो सिंपल ठीक है भाई उतने गाढ़ी यूरिन आएगा जितना सही कॉन्सेंट्रेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी कम आएगी प्रोटीन देखे जाते हैं लो प्रोटीन लेवल यूरिन नॉर्मल होता है यूरिन में प्रोटीन बहुत ना के बराबर होने चाहिए स्मॉल थोड़ा बहुत प्रोटीन लेवल आ सकता है वो कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं कर ज़्यादा मात्रा में एक प्रोटीन आ रहा है तो आपकी किडनी में हो गई गड़बड़ किडनी खराब शुगर भी नॉर्मली ना के बराबर होती है माइनर डिग्री में आ सकती है अगर ज़्यादा शुगर आती है मतलब आपको डायबिटीज़ है किडनी में किटोन्स देखे जा सकते हैं यूरिन में किटोन्स देखे जा सकते हैं किटोन तब आते हैं जब शुगर इतनी ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर कि बॉडी कीटोसिस में चली जाती है कीटोन बॉडीज बनाती है क्योंकि शुगर खून के अंदर तो है लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रही और सेल्स सारे फैट यूज़ कर रहे हैं कीटोन बॉडीज बना रहे हैं तो कीटोन बॉडीज फिर खून में आती हैं और कीटोन बॉडीज यूरिन में निकलती है और आते हैं फिर यूरिन के अंदर इट अ साइन ऑफ डायबिटीज एंड रिक्वायर्स वेरी वेरी रेगुलर फॉलोअप बिली रूबिन भी देखा जाता है किडनी के यूरिन के अंदर बिलीरुबिन आपके रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन से बनता है तो जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो बिलरुबिन बनता है और बिल आपको यूरिन में दिख सकता है अगर यूरिन में आ रहा है मतलब यह हो सकता है कि रेड ब्लड सेल टूट रहे इन्फेक्शन का एविडेंस जैसे कि कोई पस सेल दिख गए कोई व्हाइट ब्लड सेल्स है मतलब पस सेल्स हैं कोई आपको आरबीसी दिख गए मतलब ब्लड है राइट right? कोई आपको पस एक्चुअल बैक्टीरिया दिख गया वो भी पॉसिबल है राइट ब्लड आए तो भी किडनी डैमेज यूरिनरी ब्लैडर का डैमेज ब्लैडर कैंसर ब्लड डिजॉर्डर कुछ भी हो सकता है ऐसी चीजें इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब की नाली में किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे देखेंगे उसमें रेड ब्लड सेल कितने हैं वाइट ब्लड सेल कितने व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा मतलब यूरिन इन्फेक्शन रेड ब्लड सेल ज़्यादा मतलब किडनी बीमारी ब्लड डिजॉर्डर या और कई दवाइयों मेडिकल डिजॉर्डर ब्लैडर कैंसर मैंने बताया बैक्टीरिया हो सकता है यीस्ट हो सकता है कास्ट कास्ट मतलब किडनी की बीमारियों में कई बार ट्यूब टू, ट्यूब के शेप के प्रोटीन कास्ट आते हैं क्रिस्टल्स दिख जाते हैं यूरिन में क्रिस्टल मतलब केमिकल जो यूरिन के अंदर आते हैं किडनी स्टोन्स बनाते हैं जैसे कि आपके ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स ऑक्जिलेट कैल्शियम ऑक्जलेट वाले ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स तो यूरिन एनालिसिस अपने आप में अकेले कोई डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं बताएगा आपको वो एक डायरेक्शन देगा कि भाई ये दिख रहा है मतलब ये हो सकता है आगे उसके लिए आपको पेशेंट की हिस्ट्री उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स को तालमेल करके एक डायग्नोसिस तक पहुंचना होता है ये डॉक्टर का काम है ठीक है सो so, आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे और कोई टेस्ट या चेकअप जे, उसके हिसाब से यूरिन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि दूसरे टेस्ट भी हो साथ में राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आप वैसे हेल्दी हैं कोई और साइन सिम्टम नहीं है और थोड़ा सा स्लाइटली अबव नॉर्मल आपके यूरिन एनालिसिस में कोई एक चीज़ आ गई राइट right? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मेजर बीमारी हो गई आपको राइट right? इसमें कोई कंसर्न नहीं है इसमें कुछ नहीं करना है लेकिन अगर आपको कोई बीमारी आ गई है यानी किडनी की बीमारी है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है पेशाब की नली की डिजीज़ है और तब आपके एलिमिनेटेड लेवल आ रहे हैं तब आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान बदलने की जरूरत पड़ सकती है सो तो इसलिए ये चीज़ समझिए यूरिन एनालिसिस का कहाँ कितना इंपॉर्टेंस है किस सिचुएशन में इंपॉर्टेंस है कैसे इंपॉर्टेंस है जैसा हमने सारा बताया यूरिन में रेड ब्लड सेल्स के ग्लूकोज प्रोटीन पीएच, एच कीटोन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब देखी जाती है राइट और इसको प्रिपेयर करने के लिए भी कुछ पॉइंट ज़रूरी है आपको कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कई दवाई होती हैं जो इसके साथ इंटरफेयर करती हैं अगर आप कोई दवा ले रहे हो तो डॉक्टर को बताओ जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं क्लोरोक्वीन नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन राइट और कई बार आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं राइट राइबोफ्लाविन विटामिन बी के सप्लीमेंट्स होते हैं राइट right? लिवोडोपा uh, दिमाग की दवा फिनेटॉइन दिमाग की दवा या फिर फिनोथाइजीस uh, राइट right? ऐसी चीज़ें ये चीज़ें भी विरिन के साथ इंटरफेयर करती है सो so, ये चीज़ें हमेशा आप अपने डॉक्टर को बता के रखें कि भाई मेरे को ये बीमारी है मैं ये खाता हूँ खाती हूँ एड ये चीज़ ज़रूरी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायबिटीज़ इन सब चीज़ों में किया जाता है एक नॉर्मल लेवल में याद रखिए उसमें जो यूरिन में हीमोग्लोबिन नाइट्राइट्स रेड ब्लड सेल डब्लू बी सी व्हाइट ब्लड सेल नहीं मिलेंगे थोड़ा बहुत ग्लूकोस और बल्कि ग्लूकोस कीटोन प्रोटीन बिलुरुबिन ये भी नहीं मिलेगा नॉर्मल यूरिन में और नॉर्मल यूरिन होता है बिल्कुल लाइट येलो या जीरो बिल्कुल क्लियर कलर्ड के कोई क्लाउडी नहीं होता है ठीक है अगर आपने बेरीज खाने लग गए हैं आप बीट रूट खाने लग गए हैं तो यूरिन थोड़ा रेड आने लगेगा आपने वैसी मल्टीविटामिन खाने लग गए हैं तो येरो आने लगेगा तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है यूरिन के अंदर ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है और कोई भी डायग्नोसिस तक पहुंचने से या इंटरफिर या इंटरनेट पे अपना डायग्नोसिस देखना कि भाई मेरे यूरिन में रेड ब्लड सेल आए हैं इंटर इंटरनेट में बोला कैंसर तो मुझे है कैंसर ऐसा नहीं होता तो ए ना चाल वे अपने आप को सेल्फ डायग्नोस ना करें खुद की ज़िंदगी के साथ ना खेलें उसके लिए हम बैठे हैं <laughs> मतलब डॉक्टर हैं जो आपके साथ आपको डायग्नोस करेंगे आपको ठीक करेंगे